आने रहीम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के जी अगले कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। द ओनर टू गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 350 विद सेल्स वैल्यू ऑफ रुपीज 500 फॉर हिज पर्सनल यूज। पहले तो दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको मैं रिवाइज करवा दूं। ये ड्राइंग्स हैं और ड्राइंग्स ऑफ गुड्स हैं। तो अगर आपने बेसिक लेक्चर्स जो हैं वो लिए हुए हैं तो ड्राइंग्स ऑफ गुड्स की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हमने ड्राइंग्स को डेबिट किस वैल्यू से करना है, 350 से जो कि उनकी कॉस्ट वैल्यू है या सेल वैल्यू 500 से। तो ये याद रखना है कि ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होंगी कॉस्ट वैल्यू से, क्योंकि हम परचेजेस को क्रेडिट कर रहे हैं तो परचेजेस की जो कॉस्ट है उसी से वो क्रेडिट होंगी। रिकॉर्डेड एज डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट बाय 350 एंड क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट बाय रुपीज 500। तो क्रेडिट हमने किसको करना था? परचेजेस अकाउंट को। ड्राइंग्स को उसने डेबिट किया है 350 से, इसका मतलब है ड्राइंग्स के लेजर में कोई गलती नहीं है। क्रेडिट हमने परचेजेस को करना था, उसकी बजाय उसने क्या किया है? क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट बाय रुपीज 500, यानी कि उसने क्रेडिट कौन सा लेजर कर दिया है? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। अब सेल्स अकाउंट जो है वो फिर वही है मिस्टर खामखा, हमने उसको खामखा में क्रेडिट किया और कितने से क्रेडिट किया है? 500 से। तो सेल्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे ताकि उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए, कितने से? 500 से। और परचेजेस को हमने क्रेडिट करना था, हमने क्रेडिट नहीं किया हुआ, तो परचेजेस को हम क्रेडिट कर देंगे कितने से? 350 से, क्योंकि परचेजेस को हमने कितनी वैल्यू से क्रेडिट करना था? 350 से। तो जितने से उनको क्रेडिट करना चाहिए था उतने से ही हम क्रेडिट करेंगे। अब अगेन क्या आया कि डेबिट 500 है और क्रेडिट 350 है, तो क्रेडिट साइड 150 से छोटी है, 150 से हम क्रेडिट करेंगे किसको? सस्पेंस को। तो सस्पेंस के बारे में सिंपल रूल आप याद रखें कि इसके बारे में शुरू में सोचना ही नहीं है। सेल्स डे बुक वाज ओवर कॉस्ट बाय रुपीज 1600। तो सेल्स डे बुक ओवर कॉस्ट की एंट्री हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओवर कॉस्ट हुई है तो इसका मतलब क्या है? रिसीवेबल एक्स्ट्रा वैल्यू से डेबिट हुए हैं और सेल्स एक्स्ट्रा वैल्यू से क्रेडिट हुई है, तो सेल्स को डेबिट कर देंगे काम करने के लिए, ठीक है, और रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे काम करने के लिए, कितने से? 1600 से। क्लियर हो गया जी। उसके बाद रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कॉस्ट बाय 950। अब रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक को हमने अंडर कॉस्ट किया 950 से, यानी कि डेबिट साइड अंडर कॉस्ट हो गई, तो इसका इफेक्ट जो पड़ेगा वो ये होगा कि जो कैरेट डाउन बैलेंस आएगा वो 950 से कम हो जाएगा, डेबिट बैलेंस कम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, या कैश आपके पास सिरे से होगी नहीं, जीरो बैलेंस होगा, या आपके पास कैश पड़ी होगी तो उसका हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा। तो इसका मतलब है कैश जो है वो कम वैल्यू से डेबिट हुई है, तो कैश को हम डेबिट करेंगे 950 से ताकि जितनी कमी है वो पूरी हो जाए। क्रेडिट कोई भी नहीं है तो क्रेडिट 950 का जब हम करेंगे तो वो क्या होगा? सस्पेंस होगा। क्लियर हो गया जी। हाँ जी, उसके बाद क्या जी? A check received from a customer for 25,000 had been returned by a bank as dishonored. Dishonored check के basically दो steps में आपने बात याद रखनी है। पहला step ये है कि हमने bank को debit किया जब हमें check receive हुआ और receivable को हमने खत्म कर दिया, credit कर दिया कितने से? 25,000 से। ये वो entry है जो हमने originally pass की। अब क्या हुआ है? चेक डिसऑनर हो गया। द अकाउंटेंट डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द रिसीवेबल अकाउंट। ये वो एंट्री है जो वो ओरिजिनली कर चुका है,
अच्छा नहीं सॉरी, ये आप जब रिवर्स एंड आप हुआ क्या, ये वो एंट्री है जो वो ओरिजिनली हम करते हैं, जैसे ही चेक रिसीव होता है उस वक्त हम ये एंट्री कर देते हैं, लेकिन आप जब चेक वापस आया रिटर्न हो गया डिसऑनर हो गया तो हमारे रिसीवेबल दोबारा से जिंदा हो गए, क्योंकि अभी हमने कस्टमर से पैसे लेने हैं, उसका चेक डिसऑनर हो गया यानी कि हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। तो हमें क्या करना था, हमें रिसीवेबल को दोबारा से डेबिट करना था और बैंक को क्रेडिट कर देना था, क्योंकि उसमें अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुई, उसका बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये हमारी जो थी वो रिवर्स एंट्री थी जो कि हमने करनी थी, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या किया, उसने अब लेजर के हिसाब से देखें क्योंकि हम शुरू से लेजर में भी चलते रहे हैं, तो हमने करना क्या था, रिसीवेबल को डेबिट करना था और बैंक को क्रेडिट करना था, ठीक हो गया जी। लेकिन उस अकाउंटेंट ने क्या किया, डेबिटेड द बैंक अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया और क्रेडिटेड द रिसीवेबल अकाउंट और रिसीवेबल को उसने क्रेडिट कर दिया, यानी कि ये एंट्री उसने सिरे से पास ही नहीं की। अब हम क्या करेंगे, पहले हम बैंक को क्रेडिट करेंगे 25,000 से, तो ये जो इफेक्ट है डेबिट का ये कैंसिल होगा, रिसीवेबल को 25,000 से डेबिट करेंगे तो इसका इफेक्ट जो है वो कैंसिल होगा, यानी कि ये रिसीवेबल भी निल हो गया और बैंक भी निल हो गया। अब हम रिवर्स एंट्री पास करेंगे, रिसीवेबल को 25,000 से डेबिट करेंगे और बैंक को 25,000 से क्रेडिट करेंगे, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में रिसीवेबल जो है वो टोटल किस वैल्यू से डेबिट हुआ, 50,000 से, और बैंक किस वैल्यू से क्रेडिट हुआ, 50,000 से। तो ये भी एक सिंपल रूल याद रखिए, पहले भी मैंने आपको बताया है कि जब किसी अकाउंट को डेबिट करना हो और हम क्रेडिट कर दें और क्रेडिट करना हो हम डेबिट कर दें तो जो रिवर्स एंट्री होती है वो डबल अमाउंट से होती है। हाँ जी, 17 गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर 42,000 वाज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ बोथ अकाउंट्स। अब गुड्स रिटर्न हुई है बाय कस्टमर यानी कि सेल रिटर्न है, तो हमने क्या करना था, सेल्स रिटर्न के लेजर को हमने डेबिट करना था 4200 से और रिसीवेबल को क्रेडिट करना था 4200 से, सॉरी क्रेडिट, ठीक है जी। लेकिन वो क्या कह रहा है, डेबिटेड रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ बोथ अकाउंट्स, यानी कि सेल रिटर्न को भी डेबिट कर दिया और रिसीवेबल को भी डेबिट कर दिया, रिसीवेबल को सिरे से क्रेडिट किया ही नहीं है, तो ये अकाउंट तो ठीक है क्योंकि इसको तो डेबिट ही करना था, मसला रिसीवेबल में है, इसको हमने क्रेडिट करना था लेकिन उसने क्या किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, पहले 4200 से क्रेडिट करेंगे तो ये इफेक्ट कैंसिल होगा, रिसीवेबल नील पे आ जाएगा, फिर 4200 से क्रेडिट करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल जगह पे जाएगा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनी, रिसीवेबल क्रेडिट हुआ कितने से, 8400 से, 4200 प्लस 4200, डेबिट कुछ भी नहीं है, तो डेबिट 8400 करेंगे किसको, सस्पेंस को,